मोहम्मदाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने सोमवार को हाटा क्रॉसिंग के पास से बाइक सवार दो हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 820 ग्राम हेरोइन बरामद किया। बरामद हेरोइन की कीमत करीब 82 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस कार्यालय में इसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि कोतवाली प्रभारी घनानंद त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक से दो युवक हेरोइन की तस्करी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी व सर्विलांस प्रभारी हाटा क्रॉसिंग पर पहुंचे। इसी बीच रात बाइक सवार दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस उन्हें रोक कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से कुल 820 ग्राम हेरोइन और 3 मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में तस्करों ने अपना नाम केशवपुर निवासी वीरेंद्र यादव तथा जंगीपुर थाने के मदारपुर गांव निवासी इंद्रेश कुशवाहा बताया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पकड़े गए दोनों युवक आसपास के जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी भी किया करते थे। थाना मोहम्मदाबाद के थाना प्रभारी तथा हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम को एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस पर ये लोग चेकिंग कर रहे थे हाटा क्रॉसिंग के पास, तो वहाँ पर दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों के पास से करीब 820 ग्राम मादक पदार्थ जिसको उनको द्वारा हेरोइन बताया गया है वो बरामद हुई है तथा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल और इनके 3 मोबाइल, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क था, आप लोगों को विदित है पूर्व में भी गाजीपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के जो सप्लाई चेन है उसकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है। अभी भी कुछ लोगों का सूत्र इन लोगों से मिला है, उन्हें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक अच्छी उपलब्धि गाजीपुर पुलिस द्वारा की गई है और इससे निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जो मादक पदार्थ द्रव्य का जो एक व्यापार संचालित हो रहा है, यद्यपि काफ़ी कमी आई है और उसमें कमी आएगी इनकी गिरफ्तारी से। पकड़े गए माल के क्या कीमत होगी सर और क्या इसमें सरगना है इस तरह का? इसका जो मार्केट वैल्यू है लगभग 82 लाख के करीब है और अगर इसे आप सिलसिले बार, क्योंकि बार बार आप लोगों से मैं जब भी इस तरह का कोई कार्य होता है मुखातिब होता हूँ, इसमें पिछले करीब 4-5 महीनों से कई अपराधी इसमें जेल भेजे गए हैं और इसका नेटवर्क तोड़ने का प्रयास किया गया है, क्योंकि कई बार बिहार से भी ये सूचना प्राप्त हो रही है कि वहाँ से मादक पदार्थ लाते हैं।